सबको देखिए यहाँ पे। हाँ सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सबको यहाँ देखो ध्यान से। हाँ सर। क्वेश्चन में लिखिए हेलो जी। क्वेश्चन में नहीं लिखना। क्वेश्चन को लिखा। ऐसे स्टेटमेंट लिखा है छोड़ दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस पता है तो लॉस कितना होगा क्या करेंगे सीपी माइनस एसपी क्यों पता जल्दी हो जाता है भाई का इक्वल टू ये एरो पे चले लॉस इक्वल टू होता है ये एरो पार्ट आ गया उसमें ऐसे कैसे क्या ठीक है ये देखो इक्वल के लिए निकालना क्या तुम इसका फाइंड करना प्रॉफिट और लॉस पर बन गया हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया ये जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर पूरा हो गया यहाँ पूछ रहा है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ये क्या निकाला तुम लॉस परसेंटेज क्या निकाला किसे बोल रहा है कि तुम्हारा पूरा होगी लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है किसे निकालने लॉस परसेंटेज यानी को फॉर्मूला क्या हां देखो लॉस परसेंटेज मतलब देखो वहां लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस
परसेंटेज इक्वल टू लॉस परसेंटेज, हमको क्या पता है लॉस हुआ तो सीबी होता है वहां पे। क्या जितना कि लॉस हुआ पहले लॉस ना कितना खरीदा में लॉस 85 फॉर्मूला तो ठीक करो छोटा सा क्वेश्चन बना रहे हैं कितना झंझट है। हम बनाए सर सारा चीज तुम लोग बनाया हुआ लेकिन कॉपी में यही सब चीज तुम मुझसे नहीं बनता। अभी जब ये तो दोस्त का फॉर्मूला पहले भूल गया पता नहीं चल रहा है कितना फायदा कितना बेचा लॉस हुआ किस प्रॉफिट हुआ यहाँ दिक्कत आया फिर यहाँ लॉस निकाल के छोड़ दिया पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन पढ़ रहा फिर भी हो गया मेरा कंप्लीट। ये यहाँ लॉस निकाल दिया लॉस परसेंटेज जब बताने के बाद भी लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला वो भूल जा रहा है ये सब कौन ठीक करेगा घर पे क्यों नहीं पढ़ता है यहाँ क्या लिखेगा लॉस परसेंटेज का लॉस इनटू 100 बाय सीपी फॉर्मूला भूल जा रहा है। उसके बाद यहाँ देखो बार बार यहाँ पे जो है ये लोग का प्रयोग नहीं है ये लोग का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं इक्वल टू के इक्वल से पहले बता रहे हैं तो एक कहाँ ये ना चल शिवम का शिवम कब ये क्वेश्चन नहीं लिखना चलो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा सिक्स तो समझो जल्दी करो मेरी बात ये जो क्वेश्चन दिया हुआ तुमको ये पहचानना है इसमें की सीपी कौन है सीपी कौन है एसपी कौन है सीपी है तो सीपी एसपी है तो एसपी उतना क्यों लिख रहा है सर हमको लगा कि आप दो दिन दिन से एब्सेंट है तो आपको आपने चेक किया और मैं सर चेक किया इसलिए आप पूरा स्टेटमेंट लिख दो ना सीपी एसपी लिख दो क्या आज आज हमें से आज गए सब लोग गुड नाइट दिन का चेक लिख दिया सर हमको लगा कि सर नहीं आ रहे तो करें लॉस दिया है लॉस परसेंटेज दिया हुआ लॉस लॉस और टूअर परसेंट यानी लॉस परसेंटेज दिया हुआ यहाँ इधर लॉस लॉस परसेंटेज ठीक है लॉस परसेंटेज तो क्या टूअर परसेंट क्या निकल रहा देखो कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस को क्या चीज़ लिखना है सीपी इसको निकालना है ये लिखो बराबर बराबर क्या लिखता है क्वेश्चन मार्क सर हमको ही बताते हैं हां तो छोड़ के अब ठीक है अब हम लगा देते हैं अब निकालो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा अरे लिखो पहले सीपी इक्वल टू का फार्मूला लिखो बनाने दो इसको एग्जाम में कैसे बनाया था जल्दी करो सर हम लगा देते हैं अंजलि तुम्हारे क्या में आ रहा है सर आप लोग भी दफ्तर दिए होगा आप तुम्हारे क्या में आ रहा है
चलो ना बनेगा तुमसे हाँ सर टाइम फिक्स कर दीजिए बताइए खाते रहे टाइम फिक्स करेगा बता दे तुम खाओ सर सही तो पूरा लिख लिया था इसको बैठा इनको पावर इक्वल टू क्या लिखो सीपी बराबर इसी को डिसाइड करने के लिए सीपी बराबर इसी को अब इसको में लिख रहा है इसको घटा के लिखो कितना लिखेगा तुमको घटा नहीं आ रहा इसको ए माइनस कर क्लिक करेंगे जीरो जीरो कैसे कटेगा कटेगा तुम बताओ क्यों नहीं कटेगा अभी कटा रहा फिर उतना नहीं कटेगा दो तो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में तुम्हारे ऊपर इसके ऊपर तो अरे कट आउट दे पांच बार तुम अपना ध्यान दो आप इस से कटा तो अलग है क्यों बोला इसमें हंड्रेड से गुना करने के लिए ये कटा बना हो गया ये इसी को बोलते करना है सिंप्लीफाई करना इसी को बोलते हैं कैसे सिंप्लीफाई करो डिवाइड ये देख रहा है 88 है या कार है सर कार कब कटा अभी कम कर दिया कोई सुन के अभी अब पागल हो जाएगा सर डिवाइड है और ये 2 से ये कट गया 10 5 आया सीपी आया हां सर तो इस छोटा से कटाने नहीं जा रहा है कटा अभी जो पूरा भी कर रहे हो तुम 100 से पूरा कर रहे हो पता है कि दो पूरा कर तुम 0 कटेगा तो आई से लीक रहा है सर एग्जाम करेगा अबे प्रैक्टिस करो ठीक है हां करण सुनी आ सर हम लोग सर हम लोग
फोर नंबर फोर कौन सा नंबर लिखते जो डाटा है वो डाटा लिखेगा क्वेश्चन नहीं लिखेगा ए एकदम वो बंद करो दबा के इस दो करता आर एस टू क्या लिखा इक्वल लिखा जो क्या लिखा आर एस सोनिया के पास सोनिया के पास लिखेगा मनी सोनिया मनी लो हाँ इक्वल टू फिर ये बोलिया इक्वल टू उसको बोलते हैं दिस रिप्लाइज दे आंसर तो दिस का पैटर्न लाइन हाँ इक्वल टू पहला पॉइंट अब रुपीस दे आप यहाँ रुपीस का सिंबल दे रहे हैं क्या नहीं यही होगा हम तो बेटर लेके वो सर हम लोग को बोर्ड पे भेजेगा अभी नहीं लास्ट ईयर सर सर सब को भेजिएगा गाइस हां सर कुछ ना कुछ अभी एक खरीदे थे मेरा नाम कौन मेरा केस तो आप निकाल के बैठ साइड में था सीटिंग का वो इसे कॉपी में शूट कर लेते हैं सीटिंग ये कौन सा चीज है यार हाँ ये तो कॉपी में ऐसे बनता है क्या करे सोनिया के पास इतना सी एस लेस देन 10% मनी देन उमा से उसको 10% कम तो उमा कौन ज्यादा है किसके पास पैसा ज्यादा उमा को ज्यादा ये क्या बनाया ऐसे बनेगा जैसे परसेंट है वो तो उमा के पास कितना पैसा कैसे निकालेंगे उमा को सबसे पहले या तो लेट करेंगे या तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं मान लीजिए कि उमा के पास कितना एक्स एक्स मान लीजिए तो एक्स का 10% कम है किसके पास सुनिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है उमा के पास तो जितना इसमें 10% घटाओ एक्स को क्या मनी मान लीजिए इसका तो x माइनस x का 10% और 10% ऑफ ऐसे लिखो 10% ऑफ x इक्वल टू किसके पास होगा 5 4 6 जितना संख्या के पास लिया देखो x माइनस इसका कितना निकालते हैं x इक्वल 10% मतलब 10 अब परसेंट के तो लिखते हैं ना 100 से डिवाइड करते हैं 1/100 परसेंट चलेगा 5 4 6
अब इसको बेटा एक जीरो एक जीरो कट गया, जो है एक्स माइनस एक्स बाई कितना आया 10 5 4 6 एलसीएम ये यहाँ पे 10x-x और 10 5 4 6 कितना आया 9x/10 5 4 6 x इक्वल टू 5 4 6 इनटू 10 डिवाइड बाय 9 अब तो बैठ कट रहा है क्या 9 का टेबल में कितने बार में नहीं कटेगा पूरी तरह से। अब क्या करेंगे हम लोग 180 डिवाइड बाय 3 करेंगे, अब इसको डिवाइड करो कितना रुपया होगा इसके पास मुम्मा के पास ऐसे में बनता है फॉर्मूला बताओ डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ क्या इसका मुम्मा के पास कितना मनी होगा क्वेश्चन यही है सोनिया को जो है उमा से 10% कम है पैसा तो सोनिया के पास कितना पैसा है 546 प्लस एक मिनट सर कॉपी में डायरेक्ट फॉर्मूला दीजिए सर इसको कौन सा नंबर सर यहाँ पे कोई यहाँ यहाँ पे का 546 कितना है 200 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉसेस 100 माइनस लेस परसेंट ये होता है 546 इनटू 100 डिवाइड बाय 90 या परसेंटेज का रिवर्स देखो 90 यहाँ पे कटा इसमें 0 0 कट गया जब ये टर्म मिला आपको यहाँ पे 6.67 आएगा यानी इतना होगा हमारे पास ये डाइट फॉर्मूला लिख सकते हैं कम का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं ना क्या कर दिए इतना इतनी पका दिए तभी के बने देखो तो बहुत सिंपल है सब अच्छे से ही हम समझ गए पहले समझ ले आप समझ से छोड़ दिए क्या करो पता ये बना के छोड़ दिया इसमें नंबर क्या लिखा उमा मनी उमा है क्या लिखा है सारा क्वेश्चन तो इसी तरह बनाया है एग्जाम पेपर एक भी मिनट नहीं बनाया कब सारा भी देख रहा है कि कहाँ पे कर रहा है कैसे बनाना है क्या कहता है क्वेश्चन क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है सर सर अब आगे का चांस है देखो तुम लोग क्या किया है बहुत सारे क्वेश्चन में जैसे किस तरह सिंपलीफाई करने वाला था नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट किया तो गलत किया तुम लोग और खास के ये लोग प्रॉब्लम तो सब गलत किया है ये जो लिखा हुआ है व्हाट शुड बी एडेड टू सम ऑफ ए सब गलत है सम ऑफ माइनस 5 बाय 9 एंड सर मेरा सही था 7 बाय 18 कॉपी देखा टू गेट माइनस 1 करता है
देखो यहाँ सम ऑफ क्या कहता है व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड, शुड बी एडेड टू सम ऑफ माइनस फाइव बाय नाइन एंड सेवन बाय एटीन टू गेट माइनस वन. तो सिंपल सा वर्ड था प्लस कर देना, कुछ नहीं करना, सीधा ऐसे कर लो प्लस कर दिए इन दोनों के साथ में. हाँ इन दोनों के सम में x ऐड कर दिए, इन दोनों के सम में क्या कर दिए x ऐड कर दिए. मान लीजिए x हम लोग ऐड किए तो हमको क्या मिलना चाहिए माइनस वन, गेट माइनस वन, माइनस वन हमको मिल गया. अब इसको सिंपलीफाई करना है, देखो एक बार करते हैं इसको पहले माइनस फाइव बाय नाइन एलसीएम ले लो या फिर ऐसे भी तो पहले ले लीजिए सर एलसीएम में, एलसीएम ले लो 18 हो जाएगा. हाँ नाइन से माइनस टेन प्लस सेवन थ्री हो जाएगा सर, माइनस वन माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री बाय 18 है ना. हाँ माइनस वन तो ये सिंपलीफाई हो रहा है तो इसको माइनस कर देंगे हम लोग, कटा देंगे ये इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा ना. फिर एलसीएम लेंगे गलत तो नहीं, एलसीएम लेंगे यहाँ कुछ नहीं है तो बाय को वन लिखेंगे तो यहाँ तो फिर एलसीएम ले लिए सिक्स तो माइनस सिक्स प्लस वन कितना आ गया माइनस फाइव बाय सिक्स. ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों को गलत पड़ा है, वाइबल नहीं क्या होता ना ये ठीक है. सिंपली हम इस तरह से इसको बनाना था, बनाए थे जो गलत बनाए थे देख रहा किसे बन रहा. पांच नंबर का जो क्वेश्चन का उत्तर है कि लीस्ट टू ग्रेटेस्ट हमको सजा अरेंज करना था. एक क्वेश्चन था फाइव नंबर में माइनस दिया हुआ यहाँ पे फाइव बाय नाइन डिवाइड बाय माइनस 25 बाय 3 कोमा माइनस 6 बाय 11 बाय 33 बाय टू वाली इस तरह क्वेश्चन दिखा है. तुमको क्या करना था इंडिविजुअल सबको सॉल्व करके सिंपलीफाई में ले आना था और उसको अरेंज कर देना था, सबको ऐड कर दिया है. हाँ. जो जो भी बनाया है वो ऐड कर दिया है. ये ऐड करने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अरेंज द फ्लोइंग फ्रॉम द लीस्ट टू ग्रेटेस्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सजाना था. तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए क्या करना होगा, इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा. क्या लाना होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये देखो आर टू दस कोमा यहाँ पे तुम लोग प्लस का यूज कर लिया, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो सीधा आ गया 18 माइनस 18 ये चलो ये बात को करना है ऐसे कर दो ऐसे नहीं सकते हैं. हाँ सर चलो भाई यहाँ पे देखो इसका भी एलसीएम ले लो उसने तो हुआ ना यहाँ पे 10 5 5 ऐसे क्या हुआ कोमा कर दो दस ये देखो डिवाइड था 5 by 9 डिवाइड है मल्टीप्लाई में करेंगे तो प्रिंट कर आइए 3 by 25 ये वाला है ना सिंपलेस फॉर्म कर रहा है ना 8 by 3 होगा ना तीन का ये 8 होगा ये तुम्हारा एक कट जा रहा है इसको दोनों कटा देंगे 3 6 बार में माइनस 3 by 2 25 अब देखो यहाँ पे देखो माइनस 8 by 3 है यहाँ तो मान या एलसीएम मिलेंगे 18 ये 2 4 - 27 हो गया जो कि 14 by 5 मोड है तो प्लस ही हो गया और ये देखो क्या तुम्हारा माइनस 1 by 15 बार माइनस यहाँ की त्रिकोण आ रहा है माइनस 3 by 2 फिर से नाम पे एक बार इसको सॉल्व करना है यहाँ पे तो माइनस 8 by 3 और ये होता है तुम्हारा माइनस 23 by 18 अब ये कटेगा नहीं. हाँ
आप इसको पहले एक बार लिख देंगे, उसके बाद सोचेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरह से कर दिए। अब यहाँ पे देखो आप इसको अरेंज कर देना, आप इसको क्या करना है, ये क्या है प्लस में है, बाकी सब तो माइनस है, ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद देखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन सा है, माइनस, ये देखो सबसे छोटा दिख रहा है लाइट अप करने, हां लाइट अप, ऐसे जो दिख रहा है तुम कर ही सकते हैं इसे, या देखो 15 है सबसे बहुत बड़ा नंबर है ये, है बहुत आएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस 1/15। उसके बाद तुमको 1 2 3 इसमें लोगो माइनस 3/3, ये देखो ये तो ज्यादा आएगा, देखो ये सबसे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या आएगा 1 पॉइंट ये आ जाएगा। अब इन दोनों देखो कि इन दोनों से तुलना में ये सबसे छोटा है, क्यों छोटा है यार, ये तो बड़ा हो गया ना, सबसे छोटा तुम्हारा जो वैल्यू में छोटा वैल्यू होगा समझ कर सकते हैं, ये हो गया तुम्हारा, ये ज्यादा वैल्यू दे रहा है, ये तीनों में ज्यादा वैल्यू कौन दे रहा, ये दे रहा, तो माइनस लगेगा तो और दूर चला जाएगा, तो माइनस 3 हो गया। उसके बाद कौन सा होगा, ये सबसे नजदीक में आएगा 1.8, इन दोनों पर चेक करोगे 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.7, ये भी आ रहा है 1.3 आसपास आ रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा दूर है, ये -3/2 फिर हो जाएगा -23/18 फिर आएगा तुम्हारा -1/5 और तब आएगा 14/5। इस यहाँ पे कैसे करना था, ठीक है यस सर, अगर मान ली ये एल ने लाइक फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे एल हो जा रहा है, घटा दीजिए अरे सी कॉल फ्रैक्शन में लाइक हो गया। ओके थैंक यू सर। अब देखो नेक्स्ट हम लोग जो है उसी क्वेश्चन को हम लोग कैरी कर रहे हैं, देखो यार एक क्वेश्चन था तुम्हारा सर, मेरा तो नहीं था, मेरे स्ट्रांग करो, अरे ध्यान है पीछे, ठीक है यहाँ पे एक्सप्रेस करना था 1 - 125/216 को एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर, देखो ध्यान से एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना है इसको, इसी तौर पर ये 5 × 5 × 5 में माइनस के साथ में, और ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका की भाई एक्सपेंड करना 6 × 6 × 6 सर एक्सपेंड करना इसको क्यूब के रूप में, तो तीन और टर्म के रूप में तुमको दिखाना होगा, यस सर यस सर 6 का क्यूब, और ये हो जाएगा तुम्हारा -5/6 का क्यूब, क्यों एक्सपोनेंट के रूप में हो गया ये, अभी बहुत पिटाई लगेगा तुम, अगर बीच में बात किया ई का नाम तुम भी किया, अरे ई तो हो रहा है, साथ हो जाओ -5/6 का क्या होगा, ये बोलो क्यों होगा, तो यही बोला कि इसको क्या चीज में रिप्रेजेंट करना है, एक्सपोनेंट के रूप में, तो एक्सपोनेंट के रूप में एक बेस होगा और एक यहाँ पे क्या आएगा इंडेक्सेस, या फिर हम लोग बोलते हैं पावर, इस रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए, ये हो गया। ये करना था कौन कौन किया नहीं उसके बाद तो यहाँ पे इवोल्यूशन के समय भी आप लोग सोच लिए है क्या बात, -5/7 पे पावर है -2 इसको सॉल्व करना था, तो देखो यहाँ पे ये माइनस पावर है यहाँ पे, इसको आप लिख सकते थे -7/5 का होल स्क्वायर, यानी दो पावर प्लस बन गया ये,
देखो क्या करना था तुमको, क्या गलती कर रहा है और इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो मान ये इवेंट पावर है और ये निगेटिव है, निश्चित तो भी ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं माइनस सेवन बाय फाइव इंटू माइनस सेवन बाय फाइव, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, सेवन इंटू सेवन फोर्टी नाइन बाय ट्वेंटी फाइव, ये करना था। फिर ये देखो माइनस वन बाय टू पे पावर है फाइव और इसके ऊपर पावर है टू है, इसको सॉल्व करना है। निश्चित तौर पर सॉल्व करना था माइनस वन बाय टू पे पावर फाइव इंटू टू, ये देखो क्या होगा मल्टीप्लाई, किसी को भी इन दोनों को ऐड कर दिया था सेवन कर दिया था, दोनों मल्टीप्लाई होगा ठीक है, दस होगा सर, ये हो गया तुम्हारा माइनस वन बाय टू पे पावर क्या हो गया टेन, चूंकि इवन पावर है आप इसको लिख सकते हो वन बाय टू पे पावर टेन, वन बाय टू पे पावर टेन। सर टू ही पे काटे देगा, अरे वन में भी तुम देगा चलो वन पे भी दे दे, तो वन पे पावर है टेन, तो वन पे पावर कुछ भी रखेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा वन आएगा, इसीलिए नहीं लिखते हैं। समझ में आया क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट करो तुम्हारा, अरे मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व करिए ना, आप पे भी आ रहा है देखो यहाँ, यहाँ पे है सिक्स बाय नाइनटीन, इस पे पावर है थर्टीन डिवाइड बाय सिक्सटीन बाय नाइनटीन, इस पे पावर है थर्टीन, इसको डिवाइड करके वन ला दिए, वन कभी आए दो हजार, तो ये जो है ये जो बेस है डब्बा दोनों एक जैसा है क्या? हाँ पागल हाँ बेस है सर, डिवाइड पे तो बे क्या बोलते पावर माइनस को करना, पावर से मैं बेस से मैं क्या नहीं 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 है, उस लोग क्या किया है जैसे इन दोनों से कोई किसी एक को लिख दिया और तीस माइनस तीस कर दिया दोनों सेम रहेगा सब, पावर को डिवाइड करने तो घटेगा, ये होगा ऐसे नहीं होगा, क्या होगा सिक्सटी, देखो यहाँ ए पे पावर एक्स डिवाइड बाय बी पे पावर एक्स, ऐसा रहे ऐसा तो कंसेप्ट, बेस आ गया हमारा और पावर हमारा सेम, इसको क्या लिख सकते हैं ए पे पावर एक्स बी पे पावर एक्स बराबर ए बाय बी पे पावर एक्स, डिवाइड में ही रहेगा पावर सेम रहेगा, तो इस चीज को लिख सकते थे हम लोग सिक्स बाय नाइनटीन डिवाइड कर, ये पूरा जाएगा क्या है सिक्सटीन बाय नाइनटीन, इसके पावर हो जाएगा थर्टी, नाइनटीन नाइनटीन कटाइए, अरे इसमें क्योंकि ये फॉर्मूला देखो देख रहा हूँ फॉर्मूला सर, नाइनटीन नाइनटीन कटाइए एक फॉर्मूला देख रहा है, इसी रूप में ये डिवाइड होगा सिक्सटीन, तो सिक्सटीन नीचे चला आएगा नाइनटीन ऊपर, ये तो कट गया, अरे बोलिए सिंपल टू बार में थ्री टू बार में एट, तो आया थ्री बाय एट पे पावर कितना आया थ्री, अब उतार रहे हैं उतार रहे हैं उतार रहा है हम उतार अरे तुम बोल रहे तुम ही दीजिए पेपर, देख रहे क्या गलती हो रहा है, ये पेपर तुमको दिया था क्या, हाथ पकड़ो सीबीएसई वाला, एक तो तुम ही दिया था बना था ऐसा बना था लेकिन कुछ इधर उधर इधर उधर सर छोड़िए इसका दिमाग ही उधर देख लो तुम लोग की गलती बता रहे हैं यहाँ पे कि कहाँ पे गलती हो रहा है तुम लोग, हो गया बिना इसको एक घंटा घूम जाओ आ रहा है तुम्हारे ऊपर भी नहीं। अभी देखो यहाँ पे छह क्वेश्चन ये भी है माइनस टू पे पावर है थ्री और इसके ऊपर पावर था टू, निश्चित तौर पर ये पावर क्या होगा मल्टीप्लायर होगा छेद होगा मल्टीप्लायर माइनस टू पे पावर हो गया सिक्स,
इवेंट पावर है यहाँ पे, देखो यहाँ पे इवेंट पावर है, इसी तो पे ये प्लस हो जाएगा, तू कोशिश वहां पर देगी तो जीता आएगा, कितना है 4 8 16 32 64 66 इसमें भी गलती किया है। अरे फिर देखो इसमें इस तरह का क्वेश्चन है, टू पे पावर है माइनस टू प्लस 53 प्लस 28 पे पावर है जीरो, और इसके ऊपर पावर है हमारा माइनस वन। देखो यहाँ पे क्या गलती किया, कोई कोई इसको ऐड किया है दो से वन, तो सीधा होकर तो दो पे पावर है माइनस दो प्लस इसका ब्रैकेट के ऊपर जीरो पार है, वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो इसको भी कलम ऊपर में माइनस इसको लिख सकते हैं, वन बाय टू के पावर टू लिख सकते हैं, और प्लस ये इन दोनों का सम इस पे पावर किसी भी चीज पे तो पावर जीरो है उसका वैल्यू कितना होता है वन, वोट पे देखो ज्यादा उठ लोगे जो क्या हुआ है, इसके ऊपर है माइनस वन पावर, ये हो गया तुम्हारा वन बाय फोर प्लस वन ब्रैकेट का माइनस वन पावर है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 प्लस 1 क्या गया 5 बाय 4 के पावर है माइनस 1 तो 4 बाय 5 4 बाय 5 के पावर तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है सर, 5 बाय 4 तो सर का चाहिए माइनस का मतलब क्या होगा, एक्सप्रेशन से 1 बाय 5 बाय 4 प्लस हो गया, तो ये 4 बाय 5 आया समझ में, हां हां थोड़ा सा और सभी क्वेश्चन था, और देखो यहाँ इस तरह का क्वेश्चन ये भी तो नहीं पढ़ाया, 81 पे पावर है माइनस टू डिवाइड बाय है 79 पे पावर है 1 माइनस एक्स इक्वल टू 9 पे पावर है 2x, ये क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर, देखो ये भी बहुत आसान है, एक्स का वैल्यू क्या है, कितना आसान भी है सर, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो देखिए यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है 1/80, चलो 81 के टर्म में देख सकते हैं है, 81 पे पावर माइनस टू है, चलो करें 729 है, ये किसका क्यूब स्क्वायर है, किसका सर 9 का स्क्वायर है, चलो उतना ये जो यहाँ पे 9 दिख रहा है सबको 9 के फॉर्म में लिया, सबको क्या लिया 9 के फॉर्म में लिया, 81 को नहीं सकते 9 × 9 नहीं 9 पे पावर 2 और पावर माइनस 81 को नहीं सकते हैं, ओके डिवाइड बाय ये 729 है, निश्चित तौर पे 9 के टर्म में बताओ 9 × 9 × 9 81 गुना 9 आगे अपना 9 का क्यूब है, ये किसका क्यूब 9 का, 9 का क्यूब और इसके ऊपर पावर है 1 माइनस 27 का स्क्वायर है, 9 के टर्म में ला रहा है इधर क्या 9 है ना, तो ये हो गया 9 पे पावर गेट 2x, देखो यहां बोर्ड पे अब यहां पे लिख सकते हैं 9 पे पावर का माइनस 4 ये हो गया 9 पे पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स, ये हो गया 9 पे पावर 2x, ठीक है अब देखो बेस सेम है, सब माइनस 1 आ रहा है, ये तो हमने कितना हो रहा है बेस सेम है, हाँ सर पावर क्या होगा ये डिवाइड में है, पावर क्या हो जाएगा माइनस होगा, ऊपर से बदलेंगे 81 को क्या सकता है 9 का स्क्वायर, और इसके ऊपर ऑलरेडी माइनस टू पावर है तो ब्रैकेट में माइनस टू लगा दीजिए, 729 को क्या सकते हैं 9 का क्यूब है, और इसके ऊपर पावर है माइनस वन माइनस एक्स, और ये जैसे था वैसे सबको 9 के टर्म में लिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस फोर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 3 × 1 − x है, और ये जैसे था वैसे ही, अब देखो बेस सेम है यानी भाई है, ये पावर क्या होगा माइनस होगा,
अलग पावर क्या होगा माइनस नाइन पे पावर माइनस फोर होगा कि फोर होगा तो मल्टीप्लाई माइनस फोर ही होगा माइनस टू इंटू टू माइनस माइनस फोर और ये तो माइनस माइनस थ्री इंटू वन माइनस एक्स ठीक है ना इक्वल टू नाइन पे पावर टू एक्स अब देखो बेस की सेम है तो पावर भी क्या होगा सेम होगा इसलिए सकते हैं माइनस फोर इसको सॉल्व करके माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स इक्वल टू टू एक्स देखो यहाँ क्या किया समझ आ रहा अब इन दोनों को कर दिए माइनस सेवन डिवाइड किए पहले थ्री एक्स प्लस टू एक्स ये टू एक्स या उधर कर दो या इधर कर दो एक्स बराबर क्या आ गया सेवन एक्स सेवन क्या आया सेवन सेवन सबको समझ आ रहा और वाई बराबर माइनस थ्री है इसमें पूछा जा रहा है आपको फाइंड द वैल्यू 1 बाय x को पावर x प्लस 1 बाय y को पावर y इसका वैल्यू बता रहे हैं कि कितना है आप बताएं हां इसको मैं आपको बहुत इजी वे पढ़ा जा सकता हूं सर हां हां सर 1 बाय x इनटू 2 रख दो 2 पे पावर 2 प्लस 1 बाय y के बिना माइनस 3 है इसके ऊपर माइनस 3 कर दिए अब यहां पे कैलकुलेट करो 1 बाय 4 अब ये तो इसको लिख सकते हैं ये क्या है नेगेटिव पावर ऊपर देगा क्या लगे पॉजिटिव इसको लिख सकते हैं माइनस 3 पे पावर क्या लिख सकते हैं 3 1 बाय 4 क्यूब एक तरह का है और पावर है माइनस बार आएगा और 3 का क्यूब 3 3 का 27 27 ओके अब यहां की कुछ है तो 1 लिख दिए एलसीएम ले लिए 2 1 माइनस 107 बाय 4 कोई यहाँ माइनस नहीं दिया ये वो बनाया रहता है कि माइनस है रुकिए तब कॉपी करने शिवम का तो हमेशा माइनस प्लस में तो दिक्कत ही रहता है काम माइनस का काम प्लस का माइनस प्लस में दिक्कत अरे जो मैन इज 42 ईयर ओल्ड मैन जो है 42 ईयर ओल्ड है ही सर इज 12 ईयर ओल्ड मैन इज एज ऑफ मैन 42 ईयर है और सर का एज ऑफ सन ही सन 12 इयर्स हाउ मेनी इयर्स एगो was father's age 6 times that of his son how many years ago देखो मतलब हो गया कितना साल पहले पहले
तो कितने साल पहले पिता का उम्र बेटे से 6 टाइम था, तो हम लोग मान लेंगे एक ईयर के पहले, ये तो यहाँ ले या फिर इसका समाप्त है 6 ईयर, हाउ मेनी ईयर, या पूछा हाउ मेनी ईयर एगो वाज द फादर्स डेथ 6 चैप्टर, मान लेते हैं लेफ्ट एक्स ईयर एगो, एक्स ईयर एगो मान लिए है, तो एक्स ईयर एगो में क्या होगा, ए जो बताओ पहले, ए जो मैं कितना आ जाएगा 42, 42 माइनस एक्स, एक्स घटाओगे ना एक्स साल पहले, हाँ फिर निकालेगा ए जो हिज सन, सन का एक्स कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स, अब इन दोनों के बीच का रिलेशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैन का एज जो है अपने जो सन है उसके से 6 टाइम, तो 6 इनटू 12 माइनस एक्स है, अब इसको क्या करना है सॉल्व कर देना है, ये हो जाएगा तुम्हारा 42 माइनस एक्स 72 माइनस 6 एक्स वाह 21 होगा, ये इधर आ गया तो ये 6 एक्स माइनस एक्स, ये उधर चला जाएगा 72 माइनस 42 तो ये 5 एक्स और ये माइनस करो 30 एक्स बराबर आ गया 6, कितने साल के बाद हो जाएगा 6 साल के बाद, ये बना इस तरह से बना रहा था क्वेश्चन, ये तो लगता नहीं कि कोई बनाया था, नहीं बनाया नहीं बना, नहीं बना, तुमसे भी क्या बनाता है, बना अरे सर क्वेश्चन समझ में नहीं आज का टाइम छोड़ने से पढ़ दिए तो उससे दूसरे पेज पढ़ दिए, नहीं बनाया अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन था ये मस्त क्वेश्चन अच्छा था, सर तो समझ में नहीं आता उसका डिटेल से पूछे तो बोलते हैं क्या हम नहीं बता सकते, चलो ठीक है एक ट्रेन वाला देखो, हाँ ट्रेन वाला दीजिए ना सर, ये लिखे क्या लिखो अच्छा आप सही ना पहले मेरा सॉल्व करिए ना, हाँ ये आप करिए ऊपर एक का टू समझे नहीं आ रहा है, 10 बार सॉल्व किए क्वेश्चन सीधा उधर से एक का टू एट का टू अरे वो ये सर ए तो नाम को तो देखो से क्या हम पहले बोल के करें लो बुक लो के मार करके देते हैं बोला मैं एट का टू ना सर सही है ए ये सर मार करके एट का टाइप एट ऐसा बन जाता है मतलब क्या इसका हार्ट है अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया उधर से 45% ऑफ ए नंबर इज 216 फाइंड द नंबर हाँ बड़ी 45% of a number is 216 find the number find the number number निकालना तो मान लिए 45% किसी नंबर का इतना है तो नंबर को हम मान लेंगे ले नंबर भी x मान लिए तो x का 45% मतलब 45% of एस कितना है 216 इसका मतलब हो गया एस इनटू 45 बाय 100 इक्वल टू 216 अब देखो एस इक्वल टू हो गया 216 इनटू 100 बाय 45 पांच का टेबल आता है तो कटाओ आता ये 20 ये हो गया 9 नौ बार में तो वो कट रहा है नहीं कटेगा तीन से कटेगा थ्री थ्री जा नाइन
सब्सिडियरीज कट जा रहा है ना जी। हां कट जा रहा है कट गया। हां नाइन से डायरेक्ट कट जा रहा है, नाइन से कटा नहीं 18 3 मतलब 36 कट गया। यस 24 दुनिया 48 कितना हो गया 480 हो गया। बहुत ही जीता फिर भी नहीं पढ़ा था सर। आई एम बिगिनर तू तुम्हारा देख लिया यू आर टू प्लेयर सो आई यू आर मार समझ में सर। बहुत लाइटली वेट टू देम नेट ऑफ समझ में आ रहा। हां सर वो तो आ रहा है मैं मास्टर हूं। नहीं यार क्रेडिट तो क्या तुम्हारा एक नहीं सारा क्वेश्चन वैसा ही है जैसे ये बनाया है। ओके ठीक है एक जगह वेट मान लेना, एक जगह लेंथ मान लेना, एक जगह मनी मान लेना, समझ गया। अब और 9 में एक बताते हैं पता है मेरा 320 का देखो यहाँ पे 9 में तुम्हारा है, 9 में पूछा गया व्हाट परसेंटेज हो, व्हाट परसेंटेज ऑफ 85 17। यहाँ तो व्हाट परसेंटेज ऑफ 85 इज 17 इज 17। 17 जो है 85 का कितना परसेंट है, अगर उसको हिंदी बात करते हैं तो क्या लिखा 17 जो है 85 का कितना 20% है। इसी तौर पे तो परसेंटेज बराबर 17 × 100 और 85 का पूछ रहा था, 85 किससे पूछ रहा है उसे डिवाइड कर देंगे। 17 5 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
सेम उसी तरह का सर ऐसा भी मुला कर मुला मुझे पढ़ने का मन है आज से बनवाइए सर हाँ रुक जाइए सुनिए ना अब ये तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में वैसा कुछ नहीं है एक हो दिया तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन एक नंबर में The sum of three consecutive integers. The sum of ये सब बताए हुए हैं तुमको. Sum of three consecutive integers. तो मान लीजिए कि पहला integer x है तो दूसरा integer क्या होगा? Consecutive होगा x plus one. तीसरा x plus two. शिवम. तीनों का सम सर. x plus one plus x plus two इन तीनों का सम जो है दिया हुआ है 78 क्या दिया 78 x plus x 3x 1 plus 2 25 26 78 3x बराबर हो गया 75 x बराबर हो गया 25 तो इंटीजर हमारा क्या आपके आंसर में 25 अब ये क्वेश्चन पकड़िए अब जिसका जिसका क्वेश्चन ले लो किसका से निकल ये मेरा अब ये मेरा
अब ये देखो ध्यान से, अब देखो हम लोग स्पेशल प्रोडक्ट्स के रूप में समझा रहे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, अब इसको जो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दी है, यहाँ प्लस ए था तो प्लस ए लिखे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दी, ब्रेक करिए, अब इसको ब्रेक कीजिए, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी क्या रहेगा, बी एक्स, बी एक्स ए इंटू एक्स, ए एक्स ए इंटू ए, ए बी है, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसको आप ऐसे समझे, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी, ए प्लस बी के फॉर्मूला तो हम लोग क्या ब्रैकेट ये जो दिया है प्रोडक्ट के रूप में, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, आप डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं, नहीं तो इसको सिंप्लीफाई अल्टरनेट वाला बनाया थ्री का बनाओ, फिर फाइव बनाओ, इसी पे बेस तुमको क्वेश्चन दिया जाएगा, इस तरह का Thank you.
बन गया। हाँ तो कोई इसका आंसर आया एक्स प्लस दोनों का सम 2 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस दोनों का प्रोडक्ट, ऐसा आया क्या सर? हम दोनों का एक्स सम करते हैं, एक्स का स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर यानी कि 9x प्लस 14 आया। हाँ सर ये मानेंगे तब छाप दिया सर, इसी में से जब 10 को स्क्वायर ये 10 है। अब ये इसके अंदर ये होगा देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस सेवन प्लस एक्स माइनस टू इंटू माइनस सेवन, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस एक्स प्लस फोर बाय सेवन इंटू एक्स माइनस फाइव बाय सेवन सर बस एक बार फॉर्मूला बता दीजिए ना, हम ही बताएंगे ड्राइव कर पाले देन तरह से सेम फॉर्मूला Thank you.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर एक मिनट रुकिए ना बनाने देते हैं तुरंत बना लेंगे सर क्वेश्चन हो प्रभु भयंकर वाला भयान रखो सर एक लाइन में कंप्लीट करना है मुझे ये सिर्फ बनाना है हमारे के जवाब हमारे का क्या काम से तुम अपना कर दो एक ये इंटरेस्ट क्या है ये क्या कर दिया ये है नेक्स्ट आई थोड़ा मोड़ा सही जाना दे बनाते जा सर वही रुक पाएंगे सही क्या कर बोल रहा है कितना है अच्छा सब फिर बन दे रहे हैं सर इंडियन बना तो जाके भयंकर आई टेल वन मेरे से ऊपर तीनों बन गया ये दोनों ने बन नहीं ये बनेगा किसी से ये निकल रहा है
और मिलियन की गलत पे खड़े जो हो रहे हैं x स्क्वायर देखो ये लोग भी फेल करेंगे सर बना रहे हैं सर बात की आप चेक करेंगे ना उसको विष्णु आगे सर सामने देखो मेहू हाँ सर सर देखिए बोल रहे थे वहां की जो सर वो पहले ध्यान देती है मैं समझा रहा हूं ये मैं पूछ सकता हूं ए क्या है ना सर धमकी दे रहा सीएम है सर धमकी सर अभी बोले हैं कुछ आप बोलवे किया आप जान गए कि सीएम है सर बैन क्या होगा चलो बच्चा रहा है बच्चा भी क्या हो गया ये वाले वाले सर इस क्वेश्चन का है सेवा ये फार्मर टेक ए लोन फॉर कितना रुपए लिया सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या है मतलब ये आप तो जो रेट दिया हुआ आफ्टर व्हाट टाइम विल बी पेड इतना पीस वन क्लियर कर और इस नाम पे आपको पे कर सकते हैं अमाउंट नहीं है सिखाने का क्या करना है सर मीनिंग देखना क्या क्या निकालना है अभी बारिश बरसा है पाकिस्तान स्कूल ऑफ इंडिया स्कूल का ऐसा बनाया
इंडिया का मालूम एक्स का मान एक्स का 10% निकाल के एक्स प्लस एक्स का 10% और एक्स इंडिया का एक्स मान ये बताया जाएगा इंडिया का अगर ज्यादा रख बना तो उसको एक्स मान लो तो एक्स माइनस एक्स का 10% बना लो 270 देखो यहाँ ये हो गया तुम्हारा ठीक है ओके।